यहाँ हम सब शिक्षक उपस्थित हैं, हम सारे अपने विद्यार्थियों को मिलजुल कर रहने की सीख देते हैं। किसी पर आश्रित ना होना और अपना काम स्वयं करना, यह हमारी मुख्य सीख होती है। परंतु वह कौन सा व्यक्ति है जो हर सीख भुला देता है? वह कौन है जिसको देखकर गृहिणी का चेहरा खिल जाता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और जिसके ना आने पर घर का वातावरण उथल पुथल हो जाता है? आज वह कौन सा मनुष्य इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है जो अपनों को छोड़कर परायों से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगा है? सारा काम व्यस्त व्यस्त पड़ा है, दो दिन से भाई आई नहीं है, क्या करूं और क्या नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आता। आज ही सुनील को बम्बई से वापस आना था। आप लोगों को पता है हस्बैंड से ज्यादा खुशी काम वाली भाई के आने से होती है। हेलो, पैसे तो मैं परवरता है,
अच्छी बात है, क्या करें, बेचारे और लाचार समझ के रखते हैं, क्या करें, क्या करें और क्या ना करें समझ में नहीं आता। बिचारी मेरी गृहलक्ष्मी, पूरा भर संसार का इसी के ऊपर आ जाता है। अब घर के सारे सदस्य अपना अपना काम अपने हाथ से करेंगे। हाँ, मेरी बात सही कह रही है, इसका पता चला। सॉरी मम्मा, सॉरी मम्मा। अब आप लोग ऐसे मत किया करो, जल्दी जल्दी काम करो, मुझे थोड़ी सी मदद किया करो। देखो मेरे बच्चे कितने समझदार हैं। देखो अभी इस प्रॉब्लम की एक ही दवा है, हाथ जगन्नाथ। हाँ बाबा, इसका मतलब है अपना काम करने के लिए सिर्फ अपने हाथ पर भरोसा रखो, किसी की दया पर मत रखो। कांता भाई को बोलो बाबा।